Welcome back. Now, we were discussing about brainstorming activity of an astrologer's day. We have already gone through so many questions, exercise of brainstorming activity. Coming to the fourth question. ये क्वेश्चन आपको पढ़ के और यही पे आके वो सीखना है. आपका टेक्स्टबुक, आई होप आपका टेक्स्टबुक और नोटबुक आपके सामने होगा. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड फाइंड आउट ट्रू एंड फॉल्स सेंटेंसेस. करेक्ट द फॉल्स सेंटेंसेस. तो इसमें से ट्रू कौन से और फॉल्स कौन से. अगर फॉल्स है तो वो करेक्ट करके लिखिए, ऐसे वो बोल रहे हैं. लेट्स ट्राई. द एस्ट्रोलॉजर गेव अ करेक्ट प्रिडिक्शंस टू द क्लाइंट अबाउट हिज पास्ट दैट ही वॉज स्टैब्ड thrown into a well and left for dead. तो एस्ट्रोलॉजर ने करेक्ट प्रिडिक्शन दिया था क्या उस क्लाइंट को, कि वो स्टैब किया गया था, उसको फेंका गया था वेल में मरने के लिए. ये करेक्ट है क्या? यस, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज ट्रू. तो आप इसके सामने ट्रू लिख सकते हो. देन वेन द एस्ट्रोलॉजर केम टू नो दैट मैन हुम ही किल्ड इज अलाइव, ही फेल्ड दैट ही वॉज रिलीव्ड ऑफ हिज गिल्ट. रिलीव्ड का मतलब मुक्ति. जब उसका लगा एस्ट्रोलॉजर को कि जिस आदमी को मैंने मारने की कोशिश कर की थी वो जिंदा है, तो वो देख के वो उसको रिलीव्ड लगा, उसके गिल्ट से, मतलब गिल्ट से मुक्ति पा चुका, मुक्ति मतलब पाई उसने, ऐसे उसको लगा. दिस इज ट्रू और फॉल्स? दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. ये भी ट्रू है क्योंकि उसको लगता है कि चलो वो मरा नहीं है. देन द एस्ट्रोलॉजर ट्राइड टू बैक आउट ऑफ द डील एंड टॉक अबाउट द क्लाइंट्स पास्ट. चलो एस्ट्रोलॉजर था वो, उसके पास्ट के बारे में बताने के लिए फट से रेडी हो गया है. ऐसा था क्या? नहीं, एस्ट्रोलॉजर वॉज नॉट रेडी टू टेल अबाउट हिज पास्ट. रीजन यू नो दैट कि क्या रीजन था, यू न्यू दैट कि रीजन क्या था. तो लेकिन वो क्यों नहीं, ये दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. रीजन क्या है? तो करेक्ट आंसर आपको लिखना है, बिकॉज एस्ट्रोलॉजर डिमांडेड मोर मनी टू टेल हिज पास्ट. एस्ट्रोलॉजर डिमांडेड मोर मनी टू टेल हिज पास्ट. ये यहाँ लिखना है क्योंकि ये फॉल्स है स्टेटमेंट. देन द एस्ट्रोलॉजर रिस्क्यूड हिमसेल्फ फ्रॉम गुरु नानक्स रिवेंज. द एस्ट्रोलॉजर ने खुद को बचाया गुरु नानक के रिवेंज से, क्योंकि गुरु नानक अगर रिवेंज लेता तो वो मर जाता. ये ट्रू है कि फॉल्स है? यस, ट्रू है. बाय यूजिंग टैक्टिक्स, बाय यूजिंग कॉमन सेंस, यू नो, बाय यूजिंग साइकोलॉजी, बाय यूजिंग यू नो प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसने खुद को बचा लिया उस वक्त. ये ट्रू है. देन The moral of the story is that we must be responsible about what we have done and should not run away from our mistakes. तो ये क्या moral का story का moral है कि whatever we do, you know, that for those we are the only responsible for our deeds. तो हम जो करते हैं उसके लिए हम ही responsible होते हैं, that we need to be accountable for that our mistakes. तो ये बात बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू है. इस लेसन में भी वही दिया गया है, वो फाइनली एडमिट करता है, वो बताता नहीं लेकिन एडमिट करता है कि ही डिड मिस्टेक्स. ओके, तो ये भी ट्रू आंसर है उसका. मैं आगे जा रहा हूँ. द एस्ट्रोलॉजर हैज चेंज हिज अपीयरेंस एंड हिज पर्सोना व्हेन ही अराइव्ड इन द सिटी. गिव स्पेसिफिक रीजन. एस्ट्रोलॉजर जब दूसरे सिटी में आता है तो वो अपना प्रोफेशन चेंज कर लेता है, अपना अपीयरेंस चेंज कर लेता है. क्या रीज़न है आपको पता है रीज़न क्या है? तो क्योंकि उसने एक गिल्ट कमिट किया था, उससे बचने के लिए उसने अपने लाइफ को चेंज किया. यहाँ तो वो करता है कि व्हेन एस्ट्रोलॉजर वॉज अ सिली यंगस्टर, जब वो सिली यंगस्टर था, ही क्वारल विद अ गुरु नायक एंड ट्राइड टू किल हिम इन रैथ. रैथ का मतलब एंगर, गुस्सा. He thought that he had murdered Guru Nayak. उसको लगा कि मैंने गुरु नायक को मार ही दिया है. So he left the village and settled in the distant city where no one was similar with him. तो बहुत दूर जाके, distant city में जाके वो रहता है जहाँ उसको कोई पहचानता नहीं है. He changed his attire. उसने अपना costume change किया and also changed the complete appearance and persona so that no one could recognize him and his offense of killing Guru Nayak would not be revealed. तो वो अपना प्रोफेशन चेंज करता है, वो अपना अटायर चेंज करता है, एंड ये इसलिए करता है कि सो दैट अदर कुड नॉट अंडरस्टैंड
or could not recognize him, so that he will be free from that guilt. Okay, तो वही reason यहाँ दिया गया है. You can take a screenshot of this. Very simple सा answer है. आगे, the darkness, load that was inside the astrologer has disappeared. Though this sentence explains the significance of the title An Astrologer's Day. ये यहाँ एक statement दिया गया है. वो स्टेटमेंट एस्ट्रोलॉजर्स डे इस टाइटल को सिग्निफाइज करता है. इस टाइटल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा है. कौन सी चीजें, कौन से सेंटेंस? द डार्कनेस लोड दैट वॉज इनसाइड द एस्ट्रोलॉजर हैज डिसअपीयर. तो उसके अंदर, एस्ट्रोलॉजर के अंदर जो डार्कनेस लोड था वो डिसअपीयर हो गया, ऐसे बोल रहे. तो अपने मन में बहुत सारे दुख रहते, वरीज रहते, वो जब चले जाते हैं ना, उस वक्त हमें जैसे लगता था वैसा एस्ट्रोलॉजर को लगा. तो उसी को, तभी तो वो बोले कि एन एस्ट्रोलॉजर्स डे. अभी आपको इसका मीनिंग समझना बहुत इजी है. आप सुबह उठे, उठने के बाद आपके मम्मी ने आपको चाय बना के दे दिया, पापा ने चाय बना के दे दिया, या कुछ ऐसे आए, उसने बोला, आपके पापा ने आपको बोला कि चलो आज हम बाहर जाके घूम के आते हैं. जाते जाते आपको एक बढ़िया से नई सी बाइक लेके दी. उसके बाद आप किसी शॉप में गए और मम्मी बोली आपको कि चलो हम आज कुछ नए कपड़े वगैरह लेते हैं. मॉल में गए, शॉप में गए, कहीं पे गए और नए कपड़े ले लिए, नए शूज़ ले लिए आपने. वापस आते आते वो बोले कि चलो तुम्हारे फेवरेट दोस्त के साथ घर में जाते हैं, तो उनके घर में गए आप. आते आते आपको जो जो पसंद है, आपको आइसक्रीम पसंद है, आइसक्रीम खाने के लिए गए आप. आपको लगता है कि मुझे दो चार दिन स्कूल नहीं जाना है, तो पापा मम्मी बोले कि चलो नहीं जाएंगे, तू कल से दो चार दिन मत जा स्कूल में, फॉर एग्जांपल. तो आपको पढ़ाई नहीं करनी है दो चार दिन, तो आपके मम्मी पापा बोलते कि चलो आज दो चार दिन आप पढ़ाई मत कीजिए. कंप्लीट जब फ्रीडम आपको मिल जाता है, तो आप यू कंसिडर दैट डे यूअर डे. आप उस दिन को क्या बोलोगे बताए? यू कंसिडर दैट डे यूअर्स डे. सो आज हम बहुत बार ऐसे बोलते कि आज तो मेरा दिन था. हम बोलते कि नहीं ऐसे? आप बोलते? मैं बहुत बार बोला हूँ कि किसी दिन बहुत अच्छी चीज़ें मेरे साथ हुई, तो मैं बोला कि आज मेरा दिन था. उसी तरह से वो जो दिन था जब गुरु नानक उसके पास आया, वो दिन था एस्ट्रोलॉजर का. वो किसका दिन था? एस्ट्रोलॉजर का. इसीलिए उसको बोला गया है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे. उस एस्ट्रोलॉजर का वो दिन था. उसी दिन उसको उस सभी पापों से मुक्ति मिली जब गुरु नानक उसके पास आया. शायद आपको अभी समझ में आ गया होगा. वही बोल रहा है कि उसके अंदर जो डार्कनेस था, जो मतलब वरी थी, जो टेंशन था, वो सब डिसअपियर हो गया, क्योंकि उस दिन गुरु नानक आया और उसको उसने बताया कि वो जिस आदमी को, द पर्सन यू वर सीकिंग फॉर वॉज डाइड, मर गया वो. तो उसके कारण वो खुद बच गया. कौन? एस्ट्रोलॉजर. आंसर देखते हैं. एन एस्ट्रोलॉजर वॉज लिविंग अंडर द बर्डन ऑफ थॉट्स that he had the blood of a man on his hands all those days. क्योंकि एक आदमी से उसके हाथ रंगे हुए थे खून से, मतलब उसने खून किया था ऐसे उसको लगता था. But one day he saw a stranger before him. एक दिन उसने एक stranger देखा उसके सामने. He identified Guru Nayak, और उसने पहचाना कि ये Guru Nayak है. When he saw Guru Nayak was alive, जब देखा उसने कि वो Guru Nayak जिंदा है, he became tension free, और उस दिन वो tension free हो गया. मैं वही बता रहा हूँ आपको. Then the day on which he was relieved, मतलब मुक्ति हो गई, relieved from that load, उस दिन से वो उस load से relieved हो गया. Okay, was a special day for him, so that day is called an astrologer's day. तो वो उसके लिए वो special day था, because he relieved from the guilt that day. That's why that day was an astrologer's day. समझ में है? इतना easy है. आगे जाते हम. कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे भी दिए गए हैं. एस्ट्रोलॉजर फील्स रिलीव्ड दैट गुरु इज नॉट डेड, एज इट इज रिलीव्स अ ग्रेट बर्डन फ्रॉम हिम. क्रिटिकली जस्टिफाई द स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन इट. तो जब एस्ट्रोलॉजर को पता चला कि गुरु मरा नहीं है, तो वो रिलीव्ड हो गया, मुक्त हो गया उस सब पापों से जो उसको मार के उसने किए थे. तो इसको क्रिटिकली आपको जस्टिफाई करना है. मैंने आंसर्स आपको ऑलरेडी लिख के दिए गए, आपको सिर्फ लिखना है. एस्ट्रोलॉजर वॉज लिविंग अंडर द लोड ऑफ थॉट्स दैट ही हैड मर्डर्ड गुरु नायक, सो ही फेल्ड हिमसेल्फ गिल्टी. बट वन डे ही सॉ अ गुरु नायक बिफोर हिम अलाइव, ही फील्ड रिलीव फ्रॉम द बर्डन ऑफ दैट थॉट, मीन्स ही वॉज नॉट डेड. तो रिलीव्ड हो गया वो बर्डन से जब उसने देखा कि वो जिंदा है.
आगे के क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन ही है एक्चुअली, ब्लैक में दिया गया लेकिन ये क्वेश्चन ही है। द एस्ट्रोलॉजर विंस और गेट्स द सिंपथी ऑफ अ क्रिटिसिज्म ऑफ द रीडर इन द एंड, एक्सप्रेस योर ओपिनियन विद द सपोर्ट ऑफ द मेन स्टोरी। तो एट द एंड ऑफ द स्टोरी उस एस्ट्रोलॉजर को हम जैसे रीडर का एम्पैथी या सिंपैथी मिलती है, वो क्यों मिलती है उसका आंसर आपको देना है जो ऑलरेडी नीचे लिखा हुआ है। वो तो पापी ही था, उसने मारने की कोशिश की थी, फिर भी हमारी सिंपैथी उसको मिलती है लास्ट में, तो वो क्यों? एस्ट्रोलॉजर गेट्स सिंपैथी ऑफ द रीडर्स बिकॉज ही वॉज गिल्टी ऑफ हिज डीड एंड वॉन्टेड टू गेट अवे फ्रॉम इट, क्योंकि वो उसने जो गिल्ट किया था उससे वो गिल्टी था और उससे वो दूर जाना चाहता था, भागना चाहता था। His smartness and the tricks of his trade had saved him from his past crime. उसके बाद जो स्मार्टनेस थी या स्ट्रिक थी उसके कारण वो बच गया, ऐसे वो बोल रहे। He had accepted his mistake and already started living a new life. उसने खुद की एक्सेप्ट को एक्सेप्ट किया, मिस्टेक को एक्सेप्ट किया और नई लाइफ उसने शुरू की थी। Acceptance of a mistake is a great quality which is difficult to find. और खुद की मिस्टेक को एक्सेप्ट करना ये सबसे बड़ी क्वालिटी है और उसके पास थी, इसलिए वो भी बहुत अच्छी चीज़ थी। His perception, presence of mind, self confidence and shrewdness help him to overcome the problems. और उसके पास जो कॉन्फिडेंस था या presence of mind था या फिर perception था उसके कारण वो खुद को बचा सका। Then he had learned a lesson, hence the astrologer got sympathy from the reader. तो वो सब चीज़ों से उसने एक लेसन सीखा कि कोई भी क्राइम कमिट करना इज़ अ रॉन्ग थिंग। तो फिर उसने अपने लाइफ को चेंज किया था और एक नए प्रोफेशन में आ गया और उस प्रोफेशन में बहुत सारी चीज़ें वो सीखा, उसी के कारण वो खुद को सेव कर पाया, उस खुद को बचा पाया फ्रॉम गुरु नायक। तो ये भी उसके कारण भी हमें उसके प्रति एक सिंपैथी क्रिएट हो जाती है। देन बड़ा आंसर दिख रहा है, इफ़ यू हैव टू इरेडिकेट द सुपरस्टिशन ऑल प्रैक्टिसेस फ्रॉम आवर सोसाइटी, व्हाट स्टेप वुड यू लाइक टू सजेस्ट। तो ये जो सुपरस्टिशन हमारे सोसाइटी में होता है उसको इरेडिकेट करने के लिए, इरेडिकेट मतलब रिमूव करने के लिए, निकालने के लिए, अंधश्रद्धा जे आपल्या समाजामध्ये आहे त्याचं निर्मूलन करण्यासाठी तुम्ही काय काय कराल, हा प्रश्न आहे। तर तुम्ही काय कराल? आय वुड लाईक टू सजेस्ट द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर इरेडिकेटिंग द सुपरस्टिशन्स अँड अदर इल प्रॅक्टिसेस फ्रॉम अवर सोसायटी, टू मेक द पीपल अवेअर ऑफ द थिंग्स विच आर। तो क्या क्या करेंगे? तो मैं ये नीचे वाली सब चीज़ें करूँगा। पहला पॉइंट, टू मेक द पीपल अवेयर ऑफ द थिंग्स विच आर गुड एंड विच आर बैड। मैं लोगों को अवेयर करूँगा कि कौन सी चीज़ें अच्छी है, कौन सी चीज़ें बुरी है। फॉर डेवलपमेंट एंड आल्सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अवर सोसाइटी। मैं लोगों के लिए या सोसाइटी के लिए उनको बुरी अच्छी चीज़ें बताऊँगा। देन टू टेल देम अबाउट द इल इफेक्ट्स ऑफ सुपरस्टिशन और अवर हेल्थ। तो मैं उनको ये भी बताऊंगा कि सुपरस्टिशन का बुरा असर हम पे कैसे पड़ता है, उसके बारे में भी मैं उनको बताऊंगा। तो उस तरह से भी मैं सुपरस्टिशन को इरेडिकेट करूंगा। देन टू ट्राई टू डेवलप द साइंटिफिक व्यूज इन द पीपल। तो लोगों के दिमाग में साइंटिफिक व्यूज़ डालने की कोशिश करूंगा, उनकी रैशनल थिंकिंग को मैं प्रोग करूंगा कि वो हर चीज़ों को साइंटिफिकली देखे। देन टू मेक अवेयर देम हाउ कॉमन पर्सन आर डिसीव्ड अंडर द नेम ऑफ अ ब्लाइंड बिलीव्स बाय सम ऑफ कॉल्ड साधुज। तो मैं जो ब्लाइंड फेथ किसी साधु पे लोग रखते हैं और उसको किस तरह से चीट किया जाता है या फिर डिसीव्ड किया जाता है वो मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा। अब चलो बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। सुपरस्टिशन जो है वो हमेशा ही जादू में या साधु में नहीं होता है, वो बहुत बार हमारे रॉन्ग बिलीफ में भी होता है। लेट मी टेक द एग्जाम्पल। नाउडेज अर प्राइमरी नीड इज मेडिकल फैसिलिटी, एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें हैं, जॉब्स, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन क्या कभी भी कोई न्यूज़ में इसके बारे में बातें शुरू है? अभी नहीं शुरू है। बातें किसके बारे में शुरू है? तो वी आर टॉकिंग अबाउट मंदिर एंड मस्जिद नाउडेज, एंड वी आर द एंटायर मीडिया एंड द ह्यूज प्रोपोर्शन ऑफ पीपल, दे आर सिंपली टॉकिंग अबाउट मंदिर मस्जिद एंड रिलीजियस एंड एवरीथिंग। तो प्रॉब्लम यहाँ है कि यहाँ पर भी मुझे बहुत बार सुपरस्टिशियस लगती है कि हम बेसिक चीज़ों को छोड़ के बाकी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है कि व्हाट टू प्रैक्टिस एंड
यू नो हाउ वेयर टू बिलीव, तो हम उनको बोल नहीं सकते कि हम यहाँ पे भी विश्वास रखो और यहाँ पे मत रखो लाइक दिस. बट द थिंग इज़ दैट द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, थिंग्स आर वेरी क्लोज टू अवर नीड, वो हमें पहले करने चाहिए रादर दैन द थिंग्स विच आर गिविंग अस आई डोंट नो ब्लाइंड फेथ. उसको ज़्यादा करने में मज़ा नहीं है लाइक तो ये मेरा ओपिनियन है, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, लेकिन चीज़ें वही करनी चाहिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वैसे आपको कॉन्स्टिट्यूशन राइट दिया है, आप कुछ भी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हो, ये आपको राइट दिया है. तो आगे शायद मैंने ये बताया आपको, टू टेल द पीपल नॉट टू बिलीव इन अननोन पर्सन्स हु कम टू यू डोर स्टेप्स एंड आस्क यू टू मेक डबल मनी और ऑर्नामेंट्स. ओके प्लीज टेक. हाँ, सो वॉट वुड वी डू, वी वुड सिंपली डू कि अगर अननोन पर्सन आपको बोलता है कि आपके पैसे डबल करके देंगे वगैरह वगैरह, तो वी शुड नॉट बिलीव ऑन हिम और हर. तो ये भी सुपरस्टिशन है. देन टू टेक द हेल्प ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ इराडिकेशन ऑफ सुपरस्टिशन. दीज ऑर्गेनाइजेशंस विल अरेंज प्रोग्राम्स टू शो द इल इम्पैक्ट ऑफ सुपरस्टिशन. टू टेक द हेल्प ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सुपरस्टिशन को इराडिकेट करने के लिए राइटली वर्क कर रहे हैं. लेट मी टेक द एग्जाम्पल, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, यू नो दिस इज मार्जिनलाइज फॉर ओनली महाराष्ट्र स्टेट. अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जो पूरे देश के लिए काम कर रही है, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति. सो देर आर अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो और NGOs ऑल्सो जो इसके लिए मदद करते हैं. उनकी हेल्प लेके भी आप सुपरस्टिशन को इराडिकेट कर सकते हैं. टू ट्राई टू डेवलप अ साइंटिफिक थिंकिंग विद इन कॉमन पीपल थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस इटीसी, तो लोगों में एक साइंटिफिक अप्रोच भी डालने की हम कोशिश करेंगे, उसके कारण भी हम सुपरस्टिशंस को इराडिकेट कर सकते हैं. चलो कुछ आगे की चीज़ें देखते हैं हम. In the story, astrologer has a great listening power. Listening help in developing good relationship with people. Express your opinion. तो वो जब सुनता है लोगों को 10 मिनट या 15 मिनट, उसके कारण वो खुद की ओपिनियन फॉर्म कर पाता है. इट मीन्स दैट लिसनिंग इज़ वेरी गुड प्रैक्टिस. तो लिसनिंग के कारण आप कौन सी चीज़ें अच्छी कर सकते हो, वो हमें यहाँ लिखना है. लिसनिंग के कारण, यस, लिसनिंग हेल्प्स इन डेवलपिंग गुड रिलेशनशिप विथ पीपल. नंबर वन, इफ़ यू लिसन केयरफुली वॉट द पर्सन बिफोर अस टेलिंग ही शी विल रिस्पेक्ट. अगर हम उसको अच्छी तरह से सुनते हैं तो वो हमारा रिस्पेक्ट करेगा. बहुत सारे लोगों को ऐसी आदत रहती है कि बीच बीच में बोलना, तो वो करना नहीं है. देन इफ यू लिसन समवन्स एगोनी, एगोनी का मतलब पेन, यू नो पेन ही होता है. इफ यू लिसन समवन्स एगोनी वी विल कंसोल हिम. अगर हम किसी को सुनते हैं, किसी का पेन सुनते हैं पेन के बारे में, तो हम उसको कंसोल कर सकते हैं, अपन त्यांना सांत्वना देऊ शकतो चांगल्या पद्धतीने. ओके, इट हेल्प अस टू बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप. तो हमें एक अच्छी रिलेशनशिप क्रिएट हो सकती है. देन लिसनिंग ऑल्सो हेल्प अस टू सॉर्ट आउट द मिसअंडरस्टैंडिंग. तो हम अच्छी तरह से किसी को सुने तो लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है. ये भी लिसनिंग की बहुत अच्छी चीज़ है. हम सुनते ही नहीं लोगों को और खुद की लगाते हैं लाइक. देन लिसनिंग ऑल्सो हेल्प अस टू सॉर्ट आउट द मिसअंडरस्टैंडिंग. लिसनिंग इज स्किल विच हेल्प वन टू कम्युनिकेट सक्सेसफुली. तो लिसनिंग एक एक स्किल है कम्युनिकेट करने की अच्छी तरह से. इफ यू डोंट लिसन टू अदर्स स्पीक टू द पीपल ऑल द टाइम दे गेट बोर्ड एंड ट्राई टू अवॉइड अस विच अफेक्ट्स द रिलेशनशिप. तो सपोज वी ऑफन टॉक अबाउट ओनली अर सेल्फ, द पीपल गेट बोर्ड एंड दे ऑफन ट्राई टू अवॉइड अस. ओके, सो ये भी हमारे रिलेशनशिप को ब्रेक करने में बहुत बड़ा उसमें हैंड रहता है उसका. देन अ गुड लिसनर इज ऑलवेज अलर्ट एंड कैन जज थिंग्स इन अ करेक्ट पर्स्पेक्टिव. तो एक अच्छा लिसनर जो है चीज़ों को अच्छी तरह से जज कर सकता है, करेक्ट पर्स्पेक्टिव में जज कर सकता है. सच पर्सन टेक्स प्रॉपर स्टेप्स टू मेंटेन द रिलेशनशिप्स. तो उस तरह का पर्सन रिलेशनशिप को अच्छी तरह से मेंटेन करके रख सकता है जो अच्छी तरह से सुनता है, ऐसे वो बोल रहे. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज A3 और A3 में से वन. ओके, नाउ एक्सरसाइज नंबर A3 में से पहला. सर आप बहुत सारे वर्ड्स यहाँ लिखे हुए हैं, ये
बहुत सारे नाउन्स हो सकते हैं, एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली मुझे एडजेक्टिव दिख रहे हैं, एडजेक्टिव्स है शायद। इन द स्टोरी द फॉलोइंग कैरेक्टर्स रिवील्स देयर क्वालिटीज थ्रू वर्ड्स एंड एक्शंस, पिक आउट द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब देम फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट इन द यू नो एप्रोप्रिएट कॉलम। इतने सारे एडजेक्टिव्स याद दिए गए हैं, इनको उन्हीं के नीचे लिखना है जिनको वो शोभा देते हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजर एक, दूसरा कैरेक्टर है गुरु नायक, तीसरा है एस्ट्रोलॉजर्स वाइफ, बेसिकली वह तीन ही कैरेक्टर है। तो इसमें से एक एक चूज करना है। एक तो सबसे पहले इनका मीनिंग आपको समझना जरूरी है, मीनिंग, क्योंकि हम ऐसे ही नहीं कहीं चिपका सकते हैं। श्रेवड का मतलब क्लेवर होता है, होशियार, क्लेवर का मतलब क्लेवर होता है, सस्पिशियस का मतलब डाउट वगैरह होता है, जो शंका करता है, लाइक क्या बोलते हैं उसे। गलीबल का मतलब होता है अ पर्सन हु अ पर्सन हु ईजिली एक्सेप्ट द ट्रूथ, या भी कोई भी चीज़ें वो फट से मतलब एक्सेप्ट कर लेता है, इस तरह से साधा भोड़ा तला मन सकता अपन। देन एरोगेंट का मतलब घमंडी होता है, डिमांडिंग का मतलब कुछ मांगने वाला हमेशा, एंटागोनिस्ट का मतलब होता है अपोनेंट एनिमी, क्वारलसम का मतलब होता है झगड़ा वगैरह, ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब पता है कि कॉन्फिडेंस लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस। देन मैनिपुलेटेटिव का मतलब आपको देखना है, स्केप्टिकल का मतलब होता है अ पर्सन हु इज नॉट ईजिली बिलीव ऑन द थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो ईजिली बिलीव नहीं करता किसी चीज़ों पर, उसको स्केप्टिकल बोलते हैं। मिस्टिकल का मतलब होता है गूड, रहस्य, मिस्ट्री। देन स्मार्ट का मतलब स्मार्ट, केयरिंग का मतलब आपको पता है केयरिंग, प्रोटेक्टिव का मतलब प्रोटेक्टिव ही होता है, जो प्रोटेक्टिव है वो। शार्प का मतलब भी आपको पता है क्या होता है, शार्प। रैशनल का मतलब होता है तार्किक इन मराठी, हर चीज़ को तर्क पे तोलता है वो, लॉजिक पे तोलता है वो। मीन का मतलब तुच्छ, नीच, कमीना। इंटिट्यू का मतलब जो खुद में ही होता है, अपने में ही रहता है कुछ, लाइक इंटिट्यू मतलब आत्म केंद्रित, वी कैन कॉल इट। अग्रेसिव का मतलब आक्रामक, वर्डी का मतलब चिंतित, कनिंग का मतलब कनिंग फॉक्स रहता है, क्या बोलते हैं, अरे कनिंग का मतलब मेरे मुंह में ही है, याद नहीं आ रहा है। कनिंग का मतलब दुरुस्त, नहीं चलो ये आपको देखना है कनिंग का मतलब, मुझे पता है उसका मतलब क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा है। कनिंग फॉक्स होता है ना, लाइक ह्यूमैनिस्टिक का मतलब जो मानवी मानव के प्रति, मतलब ह्यूमैनिस्टिक मतलब एक अच्छा इंसान, बहुत बढ़िया। देन इम्पिट्यूस का मतलब भी आप ही को देखना है। तो यहाँ मुझे एक दो वर्ड्स स्किप्ड जिसकी मीनिंग आपको देखने हैं। तो इफ यू आइडेंटिफाई, जैसे एस्ट्रोलॉजर के लिए श्रेवड राइट है, गुरु नानक के लिए मैनिपुलेटिव राइट, एस्ट्रोलॉजर्स वाइफ केयरिंग थी नो डाउट। तो और कुछ वर्ड्स हम देखते हैं जो समझने कुछ। सस्पिशियस कौन था यहाँ, सस्पिशियस कौन था, आई थिंक गुरु नायक। कलीबल कौन था यहाँ, आई थिंक गुरु नायक। एरोगेंट कौन था, हु इज एरोगेंट, एरोगेंट इज आई थिंक सो गुरु नायक। डिमांडिंग कौन था, डिमांडिंग इज एस्ट्रोलॉजर। एंटागोनिस्ट कौन था, गुरु नायक। मिस्टिकल कौन था, एस्ट्रोलॉजर। ओवर कॉन्फिडेंट कौन था, ओवर कॉन्फिडेंट एस्ट्रोलॉजर। देन स्मार्ट कौन था, एस्ट्रोलॉजर। केयरिंग कौन थी, उसकी वाइफ ऑलरेडी दिया गया है। प्रोटेक्टिव कौन थी, उसकी वाइफ थी। शार्प कौन था, शार्प दोनों ही थे, मैं एस्ट्रोलॉजर को लिखूंगा। रैशनल कौन था, रैशनल एस्ट्रोलॉजर था। देन मीन कौन था, मीन ये एस्ट्रोलॉजी था, मीन इसने ही मारा था। देन इंटिट्यू कौन था, इंटिट्यू ऑब्वियसली यस दिस इज आल्सो एस्ट्रोलॉजर। देन अग्रेसिव, तो अग्रेसिव कौन था, अग्रेसिव इज गुरु नायक बिकॉज ही वॉन्टेड टू किल दैट पर्सन। देन वरीड इज एस्ट्रोलॉजर्स वाइफ। कनिंग कौन था, कनिंग इज एस्ट्रोलॉजर बिकॉज ही न्यू दैट ही वॉज द मर्डरर। ह्यूमैनिस्टिक कौन था, एस्ट्रोलॉजर्स वाइफ, ये ह्यूमैनिस्टिक थी। इम्पिट्यूस इज ऑल्सो गुरु नायक। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ लिखनी है, सर इजी करके दे दीजिए, तो मैंने इजी करके आपको दे दिए, दिस इज द आंसर।
So you can take a screenshot of it and write down in your notebook. That will be easy for you. I have already explained you the meaning of each and every words. If not, if I skip a single word, you need to search out the meaning, okay? तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ ख़त्म हो चुकी है. मैं सेकंड एक्सरसाइज पे आ गया हूँ. अब ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है. यहाँ कुछ वर्ड दिए गए और यहाँ सफिक्स दिए गए, लेकिन ये मिसमैच करके डाले हुए हैं. मतलब ये इस वर्ड के सफिक्स नहीं है, ये मिक्स मैच करके डाले हैं. इसमें से हमें पिकआउट करके राइट वर्ड बनाना है. एग्जाम्पल देखते हैं, ऑक्शन. तो ऑक्शनर, ऑक्शन को ई डबल ई आर लगता है, फिर बन जाता है ऑक्शनर. तो ये राइट है, लेकिन यहाँ तो एबल दिया है सर. हाँ, तो ये रॉन्ग दिया गया है. आपको इसमें से पिक करना है राइट वाला. इंचांट दिया है, तो इंचांटमेंट वर्ड है वो, इंचांटमेंट. तो मैंने मेंट यहाँ से लेके नया वर्ड बना दिया, इंचांटमेंट. ओके, नो, नो और नीचे लेज दिया है, नॉलेज. समझ में आया क्या? तो इस सफिक्स को ऐड करने के बाद यहाँ वर्ड्स बन जाते हैं. तो इसको अलग अलग डाले हुए हैं, आपको राइटली प्रॉपरली अरेंज करने हैं. उसका आंसर भी हमने मैंने यहाँ लिख के दिए गए हैं. ऑक्शनर, इंचांटमेंट, नॉलेज, परसेप्शन, सॉरी प्रिपरेशन, देन प्रोसीजर, अपीयरेंस, रिमार्केबल. तो ये उसके आंसर्स है जो आप फट से भी लिख सकते हैं. मैं आगे जा रहा हूँ, ये लास्ट वाला है शायद. देर आर सम फ्रेजेस, ओके, देर आर सम फ्रेजेस वेयर द वर्ड क्राउन इज यूज विथ डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग. यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली. वन इज डन फॉर यू. तो क्राउन यूज करके बहुत सारी फ्रेजेस बनाए गए. क्राउन, ये वर्ड सभी फ्रेजेस में डाला हुआ है, क्राउन. लेकिन एग्जाम्पल्स अलग अलग है और उस फ्रेजेस के मीनिंग भी अलग अलग है. तो आपको कौन से एग्जाम्पल के लिए कौन सी फ्रेज वहां हम रख सकते हैं वो आपको देखना है. ये आपका होमवर्क ही हो सकता है प्रॉबेबली. मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं. जैसे द वर्क ऑफ शेक्सपियर आर, तो इसमें से कौन सी फ्रेज आएंगी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, बीच में फिल इन द ब्लैंक है. क्राउनिंग अचीवमेंट, टू क्राउन टू द इफेक्ट, क्राउन ऑफ थ्रॉन्स, या क्राउनिंग ग्लोरी, टू क्राउन इट ऑल. तो मुझे लगता है द वर्क ऑफ शेक्सपियर आर, द आर क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा. तो इसके लिए मैं एक फ्रेज यहां यूज कर रहा हूं, क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा. तो ये फ्रेज आपकी चली गई. अब बची वाली फ्रेज आपको अलग अलग सेंटेंस में डालना है. दूसरा एग्जांपल अमिताभ बच्चन का है. अमिताभ बच्चन हैज गिवन अस ऑसम मूवीज थ्रू आउट 5 डिकेड्स. तो पिछले 50 साल में अमिताभ बच्चन ने हमें अच्छे मूवीज दिए हैं, ओके. बट हिज, अब यहां एक फ्रेज डालना है, इज हिज परफॉर्मेंस इन द ब्लैक मूवी. तो उसका ब्लैक मूवी में जो परफॉर्मेंस था वो कैसा था, उसके लिए क्या आएगा. बट हिज, हिज क्राउनिंग अचीवमेंट, बट हिज क्राउनिंग अचीवमेंट इज हिज परफॉर्मेंस इन, यू नो, मूवी ब्लैक. तो मैं यहाँ क्राउनिंग अचीवमेंट वर्ड फ्रेज यूज किया गया है. ऊपर मैंने क्राउनिंग ग्लोरी यूज किया गया था, ऊपर क्राउनिंग ग्लोरी, नीचे क्राउनिंग, यू नो, अचीवमेंट. तो मैं थर्ड पे आ रहा हूँ. इन हर परस्यूट ऑफ अ सक्सेस राधा हैज डिस्टेंस हरसेल्फ फ्रॉम द हर फैमिली. कुछ चीजें अचीव करने के लिए राधा अपने फैमिली से दूर गई थी, ठीक है. हर फेम हैज बिकम अ रियल. तो उसकी जो फेम है, वो जिस तरह से फेमस हुई है, वो क्या था, बिकम अ, वो क्या था. तो इसमें से जो बचे हुए फ्रेज है उसमें से क्या आएगा, टू क्राउन टू इट ऑल आएगा, बिकम अ रियल, अ रियल, टू क्राउन टू इट ऑल आएगा, या फिर टू क्राउन द इफेक्ट आएगा, या फिर क्राउन ऑफ थ्रॉन्ग आएगा. किसमें से ये कौन सी यहाँ फ्रेज आने वाली है, that you need to write here, because I have already given a two phrases, I have already fixed here two phrases, and the rest of probably three phrases you need to write here at proper place according to meaning. आपको नीचे डालना है. तो बहुत बार आप गूगल पे जाके भी इस फ्रेजेस का मीनिंग समझ सकते हो. मीनिंग समझने के बाद भी आप इसमें कौन सा आएगा, इसमें कौन सा आएगा और इसमें कौन सा आएगा, ये समझ सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने दो फ्रेजेस के आपको ऑलरेडी लिख के दिए है, यहाँ मैंने बताया है, ओके. इस तरह से, सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर्स डे. काफ़ी बड़ी, यू नो, एक्सरसाइज है, काफ़ी बड़ी है.
शायद मैंने अभी भी एक दो क्वेश्चंस को स्किप किया है, दो तीन क्वेश्चंस को स्किप किया है, वो खुद से आपको पढ़ना है। लेकिन ओवरऑल सभी तरह के क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर किए गए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, पॉज करते करते पढ़ेंगे तो पूरी चीज़ें आपको समझ में आएगी। वैसे ये ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटीज़ मैंने शायद दो वीडियो के पार्ट में बनाई है, इससे पहले वाला और ये, तो दोनों वीडियो मेरे देखने हैं। ओके, तो शायद मैं इसको पार्ट वन और पार्ट टू नाम दे दूंगा। ओके, दैट इज़ ऑल, दिस इज़ फॉर टुडे एक्चुअली। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू सो मच।